हे स्टूडेंट्स, मैं सर मुनव्वर हुसैन एंड आई एम फ्रॉम एडवांस स्टडी। आप लोगों को ये ध्यान होगा बच्चों कि हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 फुल कंप्लीट करा चुके हैं। अब ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 है, इसे करने के लिए हमारे पास दो थ्योरम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो पहली थ्योरम है उनमें से द मिड पॉइंट थ्योरम एंड द सेकेंड इज़ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए, वैसे तो ये थ्योरम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका प्रूफ तक एग्जामिनेशन में आ जाता है कि आप इसको प्रूफ कर ही रही है। तो मैं आपको द मिड पॉइंट थ्योरम आपको फुल प्रूफ कर दिखाऊंगा और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का आपको बेसिक एक लेक्चर दूंगा थोड़ा सा, कि आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपके समझ में आ जाएगा। और दोनों में मैं आपको डिफरेंस भी बताने की कोशिश करूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, द मिड पॉइंट थ्योरम में और द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। अब पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, उसकी लैंग्वेज देखिए। आपको सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को लर्न करना होगा, तब आपके ये बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। पहला इसका है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। देखिए, याद नहीं होती इतनी आराम से। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। आप बोलेंगे सर ये कैसी थ्योरम है, तो देखिए मैं इसे आपको फिगर में बनाकर दिखाता हूँ। एग्जाम में सिर्फ यही लिखा हुआ आता है कि प्रूव दैट, और आपके पास पूरी थ्योरम लिखी हुई होगी। आपको ही फिगर खुद बनाना है। अब देखते हैं वो कैसे बनाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल हम नाम दे देते हैं इसे ए बी सी। अंडरस्टूड? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात में तो आप जानते हैं मिड पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जो एक साइड को दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। सो डी और ए, इधर एक हमारे पास मिड पॉइंट्स है। ए बी के लिए मिड पॉइंट डी रहेगा और ए सी के लिए मिड पॉइंट ई रहेगा। ये कहते हैं द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों मिड पॉइंट्स को जॉइन करती है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए, ये दो साइड्स हैं हमारे, ये टू साइड्स हैं, और ये जो लाइन सेगमेंट जॉइन होगी ये पैरेलल होगी इस थर्ड साइड के। ये जो थर्ड साइड है, ये साइड फर्स्ट, ये साइड सेकंड, और ये साइड हमारी थर्ड। तो इन्होंने बोला द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये जो मिड पॉइंट्स है इसको जॉइन करेंगे, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड मीन्स DE parallel to BC and equal to half of it. What is the meaning of that? DE is equal to half of it means BC. If आप ये मान लीजिए, अगर हमारे पास DE हमारे पास 10 सेंटीमीटर का होगा तो BC हमारे पास 20 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। जब भी तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक आएगा। DE की वैल्यू कितनी है, 10 is equal to 1/2 multiply BC कितना है 20, सो इसे आपने डिवाइड किया तो 10 इज इक्वल टू 10, जो भी आपका सेंटीमीटर यूनिट लगा हुआ है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा। सो आपको समझ में आया कि ये थ्योरम आपके पास है क्या, तो पहले इसे याद करिए और उसके बाद मेरी वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, याद करने के बाद आप उसे दोबारा से रिज्यूम करिए। तो देखिए, इसका प्रूफ हल्का सा, थोड़ा सा मैं इसे हार्ड बोल सकता हूँ क्योंकि हल्का सा कॉन्सेप्चुअल है और मैथमेटिक्स तो कॉन्सेप्चुअल बेस ही है पूरी, तो आप देखेंगे इसमें कैसे होगा। तो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या लिया, मैं इसे भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। गिवन हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, अ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है। अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास इन विच डी ई क्या है, हमारे पास डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। आप चाहे तो इसमें साइड्स का भी जिक्र कर सकते हैं। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। सो हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो दो हमें चीजें प्रूफ करनी है। डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के। अंडरस्टूड? डी ई पैरेलल किसके होगा, बी सी के। याद कर लीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये जो लाइन है डी ई ये पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है, और यही लाइन डी ई हाफ किसके होगा, बी सी के। यही लाइन डी ई हाफ होगा
बीसी के, ठीक है। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ेगी, ठीक है। देखिए आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी के पैरेलल हो। ये एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ जो किसके पैरेलल है, ए बी के, ए बी के पैरेलल लाइन यहीं से ड्रॉ होगी थ्रू सी। यहाँ से हमें क्या लाइन ड्रॉ करनी होगी, सी, सी से, और डी ई को प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे डी ई को प्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पर एक पॉइंट को नाम दे दिया हमने एफ। तो थोड़ा सा चलिए आइए इसे लिखते हैं, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। मीटिंग डी ई प्रोड्यूस टू एट एफ, प्रोड्यूस टू एफ, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है इसे। देखिए प्रूफ करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसमें, ये पॉइंट हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक ये फिगर है पूरा, ए बी सी ट्राइंगल है। अब ये देखिए आपने क्या करा, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, किसकी मदद से, कंस्ट्रक्शन की मदद से आपने इसे ड्रॉ करी लाइन। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे दो ट्राइंगल्स ड्रॉ हो चुके हैं, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल ये दूसरा ट्राइंगल, ठीक है, ए ई डी और दूसरा ट्राइंगल सी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल है। आप इन दोनों को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करिए कि यह दोनों ट्राइंगल हमारे पास बिल्कुल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। चलिए आइए इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल सी ई एफ, ठीक है। अब देखिए यहां जो एंगल बनेगा, मैं इसे वन नाम दे देता हूँ और इसे टू। क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल देखने में लग रहे हैं? और ये बिल्कुल है भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइंस आपस में बाइसेक्ट होती हैं या इंटरसेक्ट होती हैं तो सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की कंडीशन से हम इक्वल बताते हैं। सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, और यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल बनने वाला, मैं इसे एंगल थ्री दे देता हूँ नाम और इसे एंगल फोर। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल से कट हुए हैं। तो इधर ये जो एंगल फोर है ये इस एंगल थ्री के बराबर होगा, ठीक है। सो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ऑल्टरनेट एंगल्स। देखिए ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, जबी तो हम यहाँ से सी बी सी डी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सी बी सी डी से अगर हम आ गए, हम सी बी सी डी से हमें पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड करनी है, तब हम पूरे इस थ्योरम को कंप्लीट कर देंगे। सो एक चीज़ और, क्या यहाँ पर हमारे पास ए ई साइड सी ई के इक्वल है? यस, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ई जो मिड पॉइंट है वो साइड ए सी का है, ठीक है, ई इज़ द मिड पॉइंट। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो गए, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट सी प्रूव हो चुकी है। ट्राइंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ई एफ बाय कौन से, यहाँ पे क्राइटेरिया लगाया जरा हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए दो साइड्स हैं, सॉरी दो एंगल्स हैं और एंगल के बीच में ही हमारे पास साइड है। पहले से मैंने ऊपर नीचे लिखा है तो, लेकिन हम इसे फिर भी क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी, और ये हमारे पास ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब यहां पर आप सीबीसीडी का यूज करिए, बाय सीबीसीडी। अगर मैं सीबीसीडी से फाइंड करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या ये साइड इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल है। मैं इधर बना देता हूँ ये दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो क्या ये वाली साइड हमारे इसके इक्वल होगी? बिल्कुल, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो इसकी साइड्स इक्वल होंगी। तो डी ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के, या डी ई, इसे मैंने नाम दिया डी ई इज इक्वल टू, ट्राइंगल के नेम के अकॉर्डिंग देते एफ ई, ठीक है। और इसी के साथ क्या हमारे सामने वाले साइड्स भी इक्वल होंगे, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू सी एफ।
तो देखिए ये तो हाफ हो गई हमारे पास थ्योरम। हाफ कैसे हो गई कि हमने दोनों ही ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दी। अब ये जो आपके पास सी बी सी डी है इसे बहुत माइंड में बिल्कुल बसा लीजिए कि अब आपके पास ये थ्योरम प्रूफ होना एक्चुअल में अब शुरू होगी। ये थ्योरम कैसे प्रूफ होनी है इस सी बी सी डी की मदद से। ये सी बी सी डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास क्योंकि सी बी सी डी हमारे पास हमें एक पैरेललोग्राम प्रूफ करवाएगा। ठीक है, मैं इसे ऊपर रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे यूज़ करते हैं। देखिए डी मिड पॉइंट है हमारे पास, जैसे कि ई मिड पॉइंट था इसी तरीके से डी भी मिड पॉइंट है हमारे पास। ये मैंने इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया, ये पॉइंट भी मिड पॉइंट है। ये वाली लाइन इसके बराबर होगी हाफ पोर्शन के। यस, डी इज़ द मिड पॉइंट। सो अगर डी मिड पॉइंट है तो इसके अकॉर्डिंग ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, बी डी के। ए डी इक्वल होना चाहिए बी डी के क्योंकि डी मिड पॉइंट है। लेकिन अभी हमने पहले प्रूफ करा था सी बी सी डी से कि ये साइड इसके इक्वल है, और अभी हमने क्या प्रूफ किया कि ये साइड इसके इक्वल आ गई। तो इट मीन्स कि ये साइड हमारे पास जो साइड हमने बना रखी है वो इस साइड के भी बराबर होगी। ठीक है, पॉसिबल है क्योंकि तीनों साइड्स आपस में हमारे पास इक्वल हो गई तो हमने बताया। सो बी डी इज इक्वल टू सी एफ, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, अब एक बात बताइए, ए बी हमने पैरेलल ड्रॉ किया था सी एफ की, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ये हमने क्या किया था बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैं इससे ये भी बात कर सकता हूँ कि बी डी भी पैरेलल होगा सी एफ के, क्योंकि जब ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इसके हिसाब से ये छोटी लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। अब अगर इन दोनों कंडीशंस को देखा जाए, बी डी पैरेलल है, बी डी पैरेलल है सी एफ के, और बी डी इक्वल भी है सी एफ के, ये कब होता है जब हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो जाता है, यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप नोट कर लेना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ यस पैरेललोग्राम। सो अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ बी डी बी सी एफ डी बी सी एफ डी, ये जो बनने वाला है इस टाइप से कोई फिगर है आपका, ये बी सी एफ डी आपके पास एक पैरेललोग्राम होगा, बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। सो आपको आप समझ में आ रहा है कुछ किस टाइप से हमने क्वेश्चन करने की स्टार्टिंग करी थी और कहाँ आके आके हम ये क्वेश्चन ख़त्म करते जा रहे हैं। देखिए ये दो हमारे पास ट्राइंगल थे, इनमें कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करी, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के बाद हमने कहा ये पूरा एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन अब ये पैरेललोग्राम हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए क्या डी एफ पैरेलल होगा बी सी के, अगर ये पैरेललोग्राम है तो, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन वी कैन ऑल्सो से दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। वाओ, दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ अवर थ्योरम, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इट इज प्रूव्ड डी ई इज पैरेलल टू बी सी बिकॉज डी बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। So DF is parallel to BC, we can say that DE is parallel to BC. So अगर मैं एक और बात करूँ यहाँ पर, चलिए BC, चलिए DF की बात कर लेते हैं, DF is equal to BC के होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है इक्वल। ठीक है, DC इक्वल होगा BC के, DF पैरेलल है BC के, तो DF इक्वल भी होगा BC के। सो डी एफ मेरा किन्हीं दो पॉइंट से, यानी कि एक पॉइंट से डिवाइड हुआ हुआ है। ये जो मेरे पास पॉइंट है मैं इधर बढ़ा देता हूँ, ये डी एफ डी और इधर एफ, ये जो पॉइंट है इसकी वजह से ये दोनों ही साइड्स हमारे पास कैसे हो गए, दो साइड में बढ़ चुका है। डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ई एफ किसके इक्वल है ई एफ, यानी कि एफ ई किसके इक्वल है ई डी के, तो मैं इन दोनों को चेंज कर सकता हूँ, डी ई प्लस ई एफ को क्या मैं डी ई लिख सकता हूँ, डी इज इक्वल टू बी सी। मैंने सी पी सी डी से पहले ही प्रूफ करा था, मैंने आपको बताया था कि सी पी सी डी ही लगेगा हर जगह। ठीक है, तो टू डी ई इज इक्वल टू बी सी क्योंकि डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू डबल ऑफ डी ई।
सो डी ई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का नंबर इधर आकर डिवाइड में होता है, तो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. सो अवर थ्योरम इज प्रूव्ड. सो आपको थ्योरम याद हुई, अगर लाइंस हमारे पास कैसे होंगी, मिड पॉइंट से जुड़ी हुई लाइन होगी, यानी कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो साइड होंगी ट्राइंगल की, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, और इक्वल भी कैसे होगी, हाफ ऑफ इट, और इक्वल भी कैसा होगा, हाफ इट. ठीक है, ये तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी. अब चलिए आइए बात करते हैं कि हमारे पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है. सो देखिए, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है आपका. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट इस पोर्शन को ध्यान रखिए. पुराने थ्योरम में हमारे पास, यानी मिड पॉइंट थ्योरम में मिड पॉइंट्स था, और यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट यानी कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, और वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट. देखिए थ्योरम क्या बताना चाहती है हमें, कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है. वैसे तो बच्चों देखो यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा और है इस चीज़ को. देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ए बी सी, ठीक है. यहाँ पर अगर कोई एक मिड पॉइंट है, मान लेते हैं डी, या चलो अब की बार इसे पी मान लेते हैं, ठीक है पी. यहाँ से कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ हुई, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ हो गई, तब जाकर ये जो पॉइंट बनेगा आपका, ये मिड पॉइंट होगा पी एम, ये मिड पॉइंट बन जाएगा आपका. तो दोनों ही थ्योरम्स में फ़र्क क्या है, पहले हम इस थ्योरम की बात कर लेते हैं. यहाँ पे अगर इफ़ की कंडीशन जो हमें गिवन है, इफ़ या मैं इसे बात कर सकता हूँ, जो चीज़ हमें गिवन है वो यहाँ पर क्या है, कि पी इज़ द मिड पॉइंट. पी क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है, ठीक है, पी मिड पॉइंट है, और इसी के साथ साथ पी एम पैरेलल है बी सी के. तो इस बात समझ में आ रही है आपको, पी क्या है, मिड पॉइंट है, और पी एम लाइन पैरेलल है बी सी लाइन के, ठीक है. ये हमारे पास गिवन है चीज़ है, जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना होता है, टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है. एम क्या रहेगा यहाँ पर, मिड पॉइंट रहेगा. आपको बात समझ में आती है, पुरानी थ्योरम में देखिए, पुरानी थ्योरम में यानी कि मैं पुरानी नहीं बोल रहा, चलो इसे नाम देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, वैसे तो नाम ही है. तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, कि ये ट्राइंगल हमारे पास है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट, ठीक है, और ये कौन सी है, कन्वर्स. मिड पॉइंट थ्योरम में था कि एक ट्राइंगल अगर ए बी सी होगा हमारे पास, ये लाइन दोनों ही हमारे पास इस, अगर यहाँ पर बात करें गिवन या इफ की कंडीशन, तो डी और ई हमारे पास क्या थे, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी और ई दोनों ही मिड पॉइंट्स थे. जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, टू प्रूफ कि डी ई पैरेलल होता है बी सी के, और डी ई हाफ होता है बी सी के, ठीक है. तो आपको दोनों ही थ्योरम्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में एक मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट थ्योरम में दो मिड पॉइंट्स हैं. जब दो मिड पॉइंट्स होते हैं तो साइड पैरेलल होती है और हाफ होती है, और जब एक मिड पॉइंट है यानी कि कन्वर्स है वो, तो अगला पॉइंट हमारा मिड पॉइंट होगा, ठीक है. तो आपको दोनों थ्योरम्स में डिफरेंस समझ में आया, किसी और थ्योरम में सॉरी. अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2. सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर दें.